एक छोटा सा बच्चा, वह देख रहा था कि उसकी दादी एक लेटर लिख रही थी, वो भी पेंसिल से। तो वह बड़ा क्यूरियस होकर जाके पूछा कि दादी तुम लेटर लिख रही हो क्या, मेरे बारे में लिख रही हो? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा मैं तुम्हारे बारे में नहीं लिख रही हूँ, लेकिन हाँ जिस पेंसिल से मैं लिख रही हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल उस पेंसिल जैसे हो। मैं चाहती हूँ कि हर किसी का लाइफ एक पेंसिल जैसा होना चाहिए। तो वह बच्चा बड़ा क्यूरियस होकर पूछा कि दादी मेरी लाइफ पेंसिल जैसे, ये ऑर्डिनरी चीज़ जैसी, ये तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पेंसिल है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, भला मेरी लाइफ, मैं ऐसी लाइफ जी के क्या करूँगा? फिर दादी ने समझाते हुए कहा, बेटा ये नज़रिए पे डिपेंड करता है कि तुम आखिर इस पेंसिल को किस तरह से देख रहे हो। तो वो एक्सप्लेन की कि पेंसिल में ऐसी 5 क्वालिटी है जो हर इंसान में होना चाहिए अगर वो सक्सेस पाना चाहता है। उसकी पहली क्वालिटी दादी बताती है कि इसकी पहली क्वालिटी है कि तुम एक महान काम के लिए पैदा लिए हो, तुम्हारा जन्म एक महान काम के लिए हुआ है। लेकिन पेंसिल भी बहुत सारे काम कर सकती है, वो कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी अच्छे अच्छे चीज़ ड्रॉ कर सकती है, लेकिन वो लिखने और ड्रॉ करने से पहले उसको एक हाथ है जो चलाता है, वो खुद ब खुद काम नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ कोई दूसरा हाथ है, एक महान हाथ है जो उस पेंसिल को चलाता है। उसी तरह तुम्हारा लाइफ एक पेंसिल जैसा है, लेकिन ध्यान रखना कि तुमको चलाने वाला एक सुप्रीम पावर है, तुमको गॉड, अल्लाह, भगवान, एनर्जी, सुप्रीम पावर पे यकीन करना होगा, तुमको भरोसा रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा कि तुम्हारी महानता को वो देख रहा है, वो तुमको गाइड कर रहा है कि तुम जिस भी महान काम के लिए जन्म लिए हो उनकी बातों को फॉलो करते रहो, वो तुमको हमेशा क्ल्यू देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इसलिए हमेशा अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते रहो। इसकी दूसरी क्वालिटी है शार्पनर, कि शार्पनर को ये अलाउ करती है कि मुझे आकर के शार्प करे। थोड़ा सा पेंसिल को दर्द होता है, थोड़ा सा पेंसिल को दुख होता है, लेकिन पता क्या है कि अल्टीमेटली पेंसिल इतनी शार्प हो जाती है, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें लिखती है, बिल्कुल तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा शार्पनर के जैसा। तो वो प्रॉब्लम तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग और महान बनाने के लिए आ रहा है। तो हमें शार्पनर से सीखना चाहिए कि हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं, अल्टीमेटली ये हमें बहुत जाकर आगे स्ट्रॉन्ग और शार्प और सुंदर बना देगा। इसकी तीसरी क्वालिटी है कि पेंसिल अपने लाइफ में इरेजर को अलाउ करता है, कि अगर पेंसिल से कोई गलती अगर हो जाए तो वो परमिट करता है कि आ करके मेरे को इरेज करके ठीक कर दो। इसलिए अपने लाइफ में आप कोई डिसीजन लीजिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उससे सीखिए और उसको जाके करेक्ट कर लीजिए। ये पेंसिल की तीसरी क्वालिटी थी। आइए पेंसिल का फोर्थ क्वालिटी मैं बता रहा हूँ आपको। पेंसिल की फोर्थ क्वालिटी है कि पेंसिल बाहर से कैसा है, कितना खूबसूरत है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पेंसिल अंदर से क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो पेंसिल की बाहर की खूबसूरती एक अच्छे चीज़ को लिखने के लिए प्रेरित नहीं करती है, पेंसिल के अंदर का जो ग्रेफाइट है, जो ब्लैक कलर का ग्रेफाइट है, वो पेंसिल की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए आपका बाहर की खूबसूरती कैसा है, बाहर का आपका माहौल कैसा है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप अंदर से कैसे फील कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुनते रहिए, खुद को हमेशा देखते रहिए, हमेशा अपनी फीलिंग को देखते जाइए, यही एक चीज़ है जो हमेशा आपको महान काम के लिए आगे बढ़ाता रहेगा। और पेंसिल की सबसे आखिरी क्वालिटी, पाँचवीं क्वालिटी है कि यह जब भी चलती है, जब भी कुछ लिखता है तो कुछ ना कुछ मार्क जरूर छोड़ता है, वो अच्छा मार्क हो सकता है या बुरा मार्क हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लीजिए, जब भी कुछ आप बोलिए, जब भी कुछ आप डिसीजन लेंगे तो देखिएगा हमेशा अपने पीछे एक मार्क छोड़िएगा, आप दुनिया को कुछ दे करके जाइएगा। इसलिए जब भी आप कोई काम कीजिए तो ध्यान रखें कि वो काम आपके लिए सही होना चाहिए, आपके अंदर से सही उठना चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ें पीछे दुनिया को छोड़ करके जाइएगा, एक मार्क हमेशा छोड़ करके जाइएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने लाइफ में ये पेंसिल की 5 खूबसूरत सी क्वालिटी अप्लाई करके दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करे और महानता की ओर बढ़े।